रावलपिंडी में कुरान पाक के 700 साल कदीम ख़त नस्तालीख में हाथ से लिखे नुस्खों और मुनफरद कैलीग्राफी आर्ट की नुमाइश की गई। उमर बिन आसिफ की रिपोर्ट देखिए। रमज़ानुल मुबारक नुज़ूल कुरान का महीना, जिसे हर दौर में दिलकश अंदाज में लिखने की कोशिश की गई। रावलपिंडी में खाना फरहंग ईरान की जानिब से ख़त नस्तालीक में हाथ से लिखे कदीम नुस्खों की नुमाइश, शहरियों को आफाकी किताब के 700 साल पुराने नादिर नमूने देखने की सआदत नसीब हुई। रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल को पुरानी कैलीग्राफी से सजाया गया। देखने वालों का मुकद्दस नुस्खों को महफूज रखने पर इत्मीनान का इजहार। कुरान पाक की पढ़ने की देखने की अशद जरूरत है। अल्लाह ताला हमें इसके सदके इस मुझी मर्ज से निजात दे। खुशी फील हुई कि इन्होंने काफी अच्छे से इसको सेव करके रखा। तकरीब के मेहमान खसूसी सकाफती काउंसलर ईरान एहसान खज़ाई ने नुमाइश का मकसद भी बता दिया। همینطور انس و الفت بیشتر مردم با قرآن کریم و توجه و تکریم و احترام به قرآن کریم که محور وحدت همه مسلمین هست. ماه مبارک رمضان که ماه رحمت هست. قرآن پاک کے یہ نسخے ہاتھ سے لکھے گئے ہیں، جبکہ کیلیگرافی کے لیے مختلف اقسام کی دھات اور چمڑا استعمال ہوا۔